नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। संविधान दिवस के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल साक्ची स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट के पास बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने सरना धर्म कोड पास होने की खुशी में लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। विगत दिनों 11 नवंबर को झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सरना धर्म कोड बिल को झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद बिल को केंद्र की मुहर की जरूरत है, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इसी खुशी में लड्डू वितरित किया। साथ ही इन्होंने उम्मीद जताया है कि जल्द ही केंद्र की तरफ से भी इस बिल को पास कर दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज लकड़ा ने बताया कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला अर्पण कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख ली। झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सरना धर्म को पारित कर केंद्र को भेजा गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसे जल्द पारित करने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी। आज सबसे बड़ा खुशी है झारखंड के लिए और आदिवासी समुदायों के लिए, जो सरना धर्म कोड का जो बिल पास हुआ है। और ये सरना धर्म कोड के लिए हमारे माननीय युवा सम्राट झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व में, और उन्होंने ये सरना कोड को पास कराने के लिए विशेष सत्र 11 नवंबर को बुलाया गया था। और उस विशेष सत्र में तमाम लोगों ने सहमति दिया सरना कोड के लिए, और ये सरना कोड आज राज्यपाल के द्वारा भी पारित कर दिया, पास कर दिया, अब सेंट्रल में जाएगा। और हम लोग को पूरे झारखंड वासियों को पूरा उम्मीद है, आशा है, उम्मीद है कि ये सरना कोड पास होने से हम आदिवासी समुदाय को उत्थान कर लिए जरूर इसमें बढ़ावा मिलेगा। और जो संविधान जो है कि जैसे पेशा कानून बना था आदिवासियों के लिए, जिस प्रकार से 5वीं अनुसूची बना था आदिवासियों के लिए, और उस पर जो है कि उस कानून के तहत ही आज संविधान दिवस भी है। और आज हम लोग पूरे झारखंड में, पूरा जिला के साथ साथ पूरे झारखंड में हम लोग हर्षोल्लास के साथ में तमाम प्रखंड पंचायत में जिला स्तर पे हम लोग हर्षोल्लास के साथ में ये खुशी मना रहे हैं कि सरना धर्म कोड जो है कि झारखंड में के आदिवासियों के लिए लागू हो रहा होने जा रहा है। और निश्चित रूप से हम इसमें सभी को धन्यवाद भी देंगे, इसमें कुछ सामाजिक संगठन भी इसमें समर्थन किया है इस सरना कोड के लिए, हम उसे धन्यवाद भी देते हैं वैसे सामाजिक संगठन को कि सरना कोड और लागू सशक्तिकरण से हो और इसमें हमारे आदिवासी समुदाय को लाभ मिले। हमारे जो संविधान के विधाता है, जो आज संविधान के अनुरूप ही हम लोग पूरे भारत के वासी और उनके अनुरूप ही चलते हैं, और उनको हम लोग उस चीज को हम लोग मानते भी हैं। और आज उनका भी आज लव दिवस जो कहा जाता है, यानी कि हिंदी में शब्दों में संविधान दिवस जो है कि उनको भी हम लोग माला अर्पण कर उनको श्रद्धालु के रूप में हम लोग श्रद्धालु अपने अर्पित किए हैं। और हमारे अंबेडकर साहब जो है कि जुग जुग अमर रहे, कोटि कोटि उनको नमन, उन्हें भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो इस झारखंड के लिए अग्रम पंथी के युवा नेता थे, ये युवा नेता थे, जननायक थे, झारखंड वासियों के जननायक के रूप में उभरा था, आज उनको भी हम लोग मतलब सच्चे श्रद्धांजलि के साथ में उसको अर्पित किए हैं आज के संविधान दिवस के दिन में और सरना कोड के दिन। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।